ये है भारत नेपाल बॉर्डर, कच्ची शराब बनने और बेचने का जंक्शन पॉइंट। लेकिन शराब बनाने वालों को न तो शराब बनाने का कोई तय पैमाना पता है और न ही उन्हें मिलावट की पहचान है। बॉर्डर से सटे इलाके में हर 10 मीटर पर आपको किसी न किसी घर में शराब की भट्टी मिल जाएगी। हम नेपाल बॉर्डर पर बसे ऐसे ही एक घर में गए। गांव में आम घरों की तरह यहां एक मिट्टी का चूल्हा है, उस पर रोटियां सेकी जा रही हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में सुलगती भट्टी है जिस पर ड्रम रखे गए हैं। जानते हैं इस ड्रम में क्या है, मौत का सामान। प्रेशर कुकर की तरह ये भट्टी काम करता है। खास तौर पर गांव में जो लोग विदेशी शराब नहीं पी सकते हैं, जिनके पास ये एक उपाय बचता है, साधन बचता है, वो इसी तरीके से शराब तैयार करते हैं। जब वेपराइज हो जाता है, जब ये वेपर बन जाता है, तो ये इस तरीके से, ये बिल्कुल काला सा आपको दिख रहा होगा। बिहार में शराब के सबसे बड़े सप्लाई सेंटर पर हम मौजूद थे। शराब के लिए लोगों की दीवानगी और बेफिक्री देखकर हम दंग थे। कहाँ बनाते हैं आप लोग? नेपाल में। अंदर 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, यार जितना सेलिंग हो जाता है उतना उधर से लाते हैं, भरतवा तरफ से।